प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तुम्हारा मन। मन? हाँ, तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसा कर प्राणी को बहुत नाचना चाहता है, फिर वो आत्मा और परमात्मा क्यों क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर ये है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाचना चाहता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो। जैसे आंख, नाक, कान, मुख, जीवा आदि, उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं। और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं, और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए।
मन को वश में कर ले जो योगी वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी वो इसी रथ से अनंत को जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षेव, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जनार्दन, असंभव है? नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? अवश्य है। क्या है वो तरीका? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, अभ्यास और वैराग्य। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। इसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर वो दूसरी वैरागी की तलवार की क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर
इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, असार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। मोह से विमोहित जब बुद्धि तेरी भली भांति मोह रूपी दल दल को पार कर जाएगी। लोक पर लोक से संबंधित भोगों के प्रति तब तेरे मन में विरक्ति भर जाएगी। वासना की वासना रहेगी तेरे पास तनिक मन स्थिर हो जाएगा, कामना मर जाएगी रे अर्जुन। मन के स्थिर होने पर आत्मा ये परमात्मा रूपी सागर में उतर